हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एमपी पुलिस, एमपी पटवारी, एसआई, एसएससी, जीडी सभी के लिए करंट अफेयर्स की बहुत सारा है। चलिए हम देखते हैं इसको विस्तार से। तो आप अच्छे से इनको नोट्स बना लें और अच्छे से तैयारी करते रहें, क्योंकि ऐसा नहीं होता कभी कि उसी टाइम एग्ज़ाम हो और उसी टाइम करंट अफेयर्स आएँ। पीछे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, लगभग एक साल का आपको कवर करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं, अच्छे से नोट्स ज़रूर बना लें इसके। पहला क्या है, दुनिया का सबसे ऊँचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, ये काजा हिमाचल प्रदेश में हुआ। गो ईगो कंपनी के द्वारा स्थापित हुआ, ये फेम योजना के अंतर्गत हुआ। इसकी स्थापना शुरुआत हुई थी 2015 में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के हिसाब से। फिर इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है, शून्य अभियान, नीति आयोग, इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना, पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी केवड़िया, जीवन सभी नए घरों में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य कर दिया गया इंग्लैंड के द्वारा। सतलुज नदी की भारत में सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, यानी जो सतलुज नदी है वो भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश से। फिर रोहतांग सुरंग का नया नाम कर दिया गया है अटल सुरंग, ये लेह मनाली तक जाता है, 9.02 किलोमीटर लंबी है ये। 100% LPG कनेक्शन हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया। हिमाचल प्रदेश के CM हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। यहीं पे पर्वत धारा योजना भी लागू हुई हिमाचल प्रदेश में। फिर चर्चा में रहा फास्टर सिस्टम, फास्टर का फुल फॉर्म क्या है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रोड रिकॉर्ड, सॉरी फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट यानी के द्वारा, यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है आदेश या सूचनाओं को सुरक्षित और तेजी के साथ पहुंचाना। फिर इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, सुपेस पोर्टल यानी सुप्रीम कोर्ट AI आधारित है। वर्तमान यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमन्ना। पहली बार सुप्रीम कोर्ट में एक बार 3 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, हीमा कोहली, बेला त्रिवेदी और VV नागरत्ना। 2027 तक CJI संभावना बनने की इनकी संभावना है। अदालती कार्यवाही का प्रसारण YouTube पर करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ को मिला। सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 में है, एक्ट 124 से 147 तक रिट जारी करने का अधिकार है एक्ट 32 में सुप्रीम कोर्ट SC के द्वारा और 226 हाई कोर्ट के द्वारा। एक्ट 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। भारतीय सेना के द्वारा प्रतिवर्ष हाइफा दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को, यानी ये 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाया जाता है। मनाते कौन है, भारतीय सेना। क्यों मनाया जाता है, यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1918 में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटेन की तरफ से हाइफा नामक स्थान जो इसराइल में अवस्थित है इसके मित्र राष्ट्र की तरफ से जर्मनी और तुर्की के कब्जे के बाद आज़ाद कराया गया था। जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर के सैनिक ने इसमें भाग लिया था। शहीद सैनिकों की याद में यह मनाया जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है, इसराइल के PM हैं नेफ्ताली बेनेट, राष्ट्रपति हैं इसोक हरजोंग और यहाँ की संसद है नेसेट। अल अक्सा मस्जिद एरूसलम इसराइल में है, विश्व का एकमात्र यहूदी देश है। यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगोंग कहलाता है। इसराइल भूमध्य रेखा से सीमा बनाता है। भारत कोरिया मित्रता पार्क दिल्ली में है। अब्राहम एकॉर्ड इसराइल वर्सेस UAE है। फिर चर्चा में रहा अर्जुन MK-1A क्या है, यह एक युद्धक टैंक है। इसका निर्माण 1972 से शुरू हुआ था DRDO के द्वारा। फिर अर्जुन MK-1 दिन रात दोनों परिस्थितियों में सक्षम नया वर्जन है, अभी हाल ही में इसमें अपडेटेड किया गया है, अब इसका नाम अर्जुन MK-1A है। इसकी मारक क्षमता में वृद्धि किया गया है। DRDO 118 अर्जुन MK-1A युद्धक टैंक भारतीय सेना को सौंपेगी। फिर इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम INS ध्रुव सैटेलाइट मिसाइल ट्रैकिंग पहला है। इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। नवंबर दिसंबर 2021 में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में है। टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद
भारत ने पदक जीता हॉकी में, जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है। सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में है। मोहाली हॉकी स्टेडियम पंजाब का नया नाम कर दिया गया है। बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में है। राष्ट्रीय पार्क सिमलीपाल भितरकनिका, भितरकनिका नेशनल पार्क खारे पानी का मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की शास्त्रीय भाषा है उड़िया। नलवाना पक्षी अभयारण्य चिल्का झील में है। जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में है। कोणार्क सूर्य मंदिर ब्लैक पगोड़ा गंगवंश में है, गंगवंश द्वारा स्थापित किया गया था। फिर CBSE NCERT पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए गणित 12 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष बने हैं के रस्तूरी रंजन। शिक्षा मंत्री हैं इस समय धर्मेंद्र प्रधान। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, माधव गॉडविल समिति पश्चिमी बाढ़ संरक्षण है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य हैं इसके। हाल ही में केंद्र सरकार ने पेटेंट संशोधन नियम 2021 के तहत शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क 80% घटा दिया गया है। पेटेंट है नया उत्पाद, नया तरीका है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में क्या है, पेटेंट यानी बौद्धिक संपदा है, 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। भौगोलिक संकेतक GI टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। बौद्धिक संपदा सूचकांक IP इंडेक्स टॉप USA भारत 40 में दिया जाता है। हाथी मिर्च तामेंगलोंग संतरा GI टैग मणिपुर में दिया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय जिनेवा में है। सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में प्रथम स्थान राजस्थान का है, 7738 मेगावाट सौर ऊर्जा नीति 2019 में दिया गया। दूसरा स्थान कर्नाटक का है, तीसरा स्थान गुजरात का है, चौथा स्थान आंध्र प्रदेश का है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, चिरंजीवी योजना सभी को स्वास्थ्य सेवा राजस्थान के द्वारा। सौर ऊर्जा लक्ष्य 2022 तक 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा 60 गीगावाट, नवीकरणीय ऊर्जा 750 गीगावाट, रीवा सोलर पावर प्रोजेक्ट MP 750 मेगावाट, कुसुम योजना सोलर पंप के द्वारा सोलर पंप में है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का नाम मैथ्यू हैसन रखा के नाम पर रखा है। ये एक क्रिकेटर थे, हैसन क्रिकेटर मैथ्यू हैसन। आर्कटिक की खोज किया था। नासा का चंद्रमा पर दूसरा मानव युक्त मिशन आर्कटिस है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं दोरजी आंगचुंग, लद्दाख के फोटोग्राफर हैं। IAU ने शास्त्रीय संगीतकार पंडित जसराज के नाम पर क्षुद्रग्रह का नाम रखा था। वाइपर रोवर फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा चंद्रमा पर उतरेगा नासा। चंद्रयान सेकेंड के द्वारा चंद्रमा पर खोजे गए क्रेटर का नाम साराभाई क्रेटर। KVIC के द्वारा उड़ीसा का पहला टेशर रेशम यार्न उत्पादन केंद्र कटक में है स्थापित किया गया है। KVIC खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग में है। एक्ट 1956, हेडक्वार्टर इसका मुंबई और हेड है यहाँ के विनय कुमार सक्सेना। KVIC MSME मंत्रालय के अधीन आता है। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर से मूंगा सिल्क GI टैग असम में। भारत का पहला खाकी प्राकृतिक पेंट KVIC ने कुमारप्पा इंस्टीट्यूट जयपुर के सहयोग से बनाया। हंगरी ने बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नकोमाता की प्रतिमा का अनावरण किया। धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें अपनी करंट स्टैटिक प्लस GK मजबूत करने के लिए और भारतीय संबंधित सभी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।